अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ मुकाबलोग। तो माशाल्लाह से अभी मैं जा रहा हूँ खाना काबा में, मस्जिद हरम में। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आज काबा का जो वो टूर करवाते हैं, सैर करवाते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम खलील रोड पे, ठीक है। ये माशाल्लाह से बहुत ही मशहूर रोड है, इसे कबूतर चौक भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर कबूतर ज़्यादा होने की वजह से इस चौक का नाम कबूतर चौक भी रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि कबूतर चौक के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो माशाल्लाह से ये है क्लाक टावर। क्लाक टावर के हम बिल्कुल ही बैक साइड पे हैं। तो उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इस रोड पर आप लोगों को ना होटल्स वगैरह, पाकिस्तानी होटल्स भी होते हैं। उसके बाद आपको रहने के लिए भी अच्छी जगह यहाँ पे मिल जाती है और खानों का भी बेहतरीन मरकज़ यहाँ पे है। चाय वगैरह, पाकिस्तानी होटल, इंडियन खाने, बंगाली खाने, ठीक है, आपको किसी भी किस्म के खाने चाहिए तो आपको इस रोड से मिल जाएंगे। यहाँ पे मतलब लाहौरी होटल भी हैं, गुजरांवाला होटल, विशालकोटी होटल भी, हर किस्म की होटल है, ठीक है। ये देखें, ये सारा एरिया खुला है, यहाँ पर दी जाती है फ्री खाना, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद हरम में, इंशाल्लाह आप लोगों को जाके खाना काबा के आगे लाइव ज्यारत भी करवाते हैं और कुछ अहम बातें आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो अभी माशाल्लाह से हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर सफाई वगैरह हो रही है, मतलब कबूतरों को जो दाना वगैरह यहाँ पे डाला जाता है ना, तो जब दाना वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो फिर इसकी सफाई की जाती है। तो माशाल्लाह से मैं अपनी अम्मी जान के साथ हूँ, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे जाओगे आप लोगों को सारा कुछ दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आप मस्जिद हरम में किसी भी गेट से अंदर दाखिल होंगे तो आप लोगों को कबूतर बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। कबूतर आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं माशाल्लाह से। ये भी एक मोहब्बत का पैगाम देते हैं हमें कि मतलब यहाँ पे हम जब हाजी लोग आते हैं तो यहाँ पे आके वो दानों कबूतरों को दाना वगैरह डालते हैं। तो ये अभी हम जा रहे हैं कुबरी के नीचे से, मतलब कुबरी अरबी में बोला जाता है, जो हमारे पाकिस्तान में इंडियन जबान में इसे पुल कहते हैं, तो अरबी जबान में इसे कुबरी बोला जाता है। तो अभी हम कुबरी के नीचे से जा रहे हैं, 6 नंबर हमाम से बिल्कुल हम सीधा जाएंगे। आप लोगों को यहाँ के मतलब जो हमाम है जिसे मतलब वाशरूम बोला जाता है, तो उन्हीं से हम होके जाएंगे आगे जाके। इंशाल्लाह आप लोगों को सारा यहाँ का ज़ियारत करवाते हैं, विजिट करवाते हैं आप लोगों को। अभी तो रमज़ान ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से माशाल्लाह से रमज़ान ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से रश भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। तो अभी क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे हज स्टार्ट हो रहा है, हज का जो मतलब चांद अगला दूसरा नज़र आएगा तो हज फिर स्टार्ट हो जाएगा। हज मतलब उम्रे, जो उम्रे के वीज़े हैं वो बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं मस्जिद हरम के ऊपर, ठीक है। ये है 6 नंबर हमाम, मतलब जिसे 6 नंबर वाशरूम भी बोला जाता है, ठीक है। ये है जमजम पानी, लोग यहाँ से जो है ना वो जमजम पानी पी रहे हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह सीधे जाएंगे ये 6 नंबर वाशरूम से। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जितने भी वाशरूम्स होते हैं उनके ऊपर बाकायदा उन्होंने लिखे लगाया होता है ताकि किसी को भी कन्फ्यूज़ ना हो, किसी को गलती ना हो आने जाने में। और अभी असर का जो मतलब नमाज है वो तो हमने पढ़ ली हुई है, अभी मगरब की इंशाल्लाह नमाज हम यहीं अदा करेंगे मौज़ हरम में। ये देखिए माशाल्लाह से जो है ना वो मौसम भी काफ़ी प्यारा है, क्योंकि जो धूप है बिल्कुल ख़त्म होने को है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर तो अभी जो है ना वो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि ये महीने ऐसे होते हैं जिनमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो और मक्का मुकरमा की और सऊदी अरब की गर्मी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, आपको पता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से रश जो है ना वो आस्ता आस्ता ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी नमाज का टाइम भी हो रहा है। तो ये 200 मेन गेट है जहाँ से हम उमरा के लिए अंदर दाखिल होते हैं, ये जो मैंने आपको पीछे दिखाया। तो ये अभी हम गए थे हमाम में, वाशरूम में, अभी हम क्योंकि खाना काबा के बिल्कुल हमने पास जाना है, तो ये देखिए मैंने वजू वगैरह कर लिया।
वजू करके अभी मैं जा रहा हूँ खाना काबा के बिल्कुल पास, ठीक है। वहाँ से जाके आपको इंशाल्लाह मैं ज़ियारत करवाता हूँ। तो अभी हम गाइस उसी तरफ जा रहे हैं, खाना काबा की तरफ ही। अभी तो फिलहाल जो है ना वो मजहर अंकल हुसैन है वहीं पे हैं। आप देख सकते कि मतलब रश जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये है गेट नंबर है, ठीक है। इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा गेट लगते हैं, ठीक है। ये जो मेन गेट होता है इसका, उस तरफ से मतलब रास्ते नहीं बंद है, क्योंकि रमज़ान में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गेट ओपन किए थे। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो गया तो जो मतलब गेट थे ना काफ़ी बंद कर दिए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि रश बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो गया रास्ते में ना। तो ये 19 गेट नंबर है, इससे हम अंदर दाखिल होंगे। जाला अंदर जाके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से हम जो है ना वो मस्जिद हरम के अंदर मतलब जो अंदर वाला एरिया है वहाँ पे हम आ चुके हैं। अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश है, क्योंकि यहाँ पे लोग आके बैठे रहते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, नफल वगैरह पढ़ते हैं, कुरान मजीद वगैरह पढ़ते रहते हैं, मतलब इबादत में मशगूल रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब ठंडक वगैरह भी काफ़ी होती है, जिसकी वजह से मतलब आके लोग घर से भी बैठे रहते हैं। आपको पता कि अल्लाह के घर में बैठना वैसे ही इबादत है। तो ये तो फिर भी अल्लाह का बहुत ही प्यारा घर है, ठीक है। हम मुसलमानों का भी बहुत प्यारा घर है। तो ये देखिए, ये होती हैं यहाँ पर खिड़कियाँ, ये इनके ऊपर जो है ना वो कुरान मजीद रखे जाते हैं। और ये है दोस्तों जमजम पानी, जमजम पानी आप जितना मर्जी पिए, ठीक है, आपको किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं। बस ये है कि यहाँ से मतलब जो बोतलें वगैरह नहीं बने देते, वैसे आप जितना मर्जी यहाँ से जमजम पानी पी सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं खाना काबा के बिल्कुल सामने। यहाँ पे रश भी काफ़ी ज़्यादा है आगे जाके, बाहर तो रश बहुत कम था, आगे जाके जो है ना वो नफल वगैरह नफल तो आप वगैरह चल रहा है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों हम जो है ना वो जो लोग नफली तवाफ कर रहे हैं उनके साथ अभी चल रहे हैं, ठीक है। ये देखे यहाँ पर भी उन्होंने जमजम पानी के ये पेड़ लगाए हुए हैं बड़े बड़े। वहाँ पे तो आपने देखा वो छोटे से प्लास्टिक के, तो ये वाले तो बहुत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे ना। यहाँ से भी आप जितना मर्जी पानी पी सकते हैं। तो माशाल्लाह से अभी हम जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ नफली तवाफ के बारे में, ठीक है। वो आपने लाजमी देखनी है कि आपने नफली तवाफ कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं इस वक्त खाना काबा के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। आप बिल्कुल अपनी आँखों से खाना काबा की बिल्कुल ज़ियारत कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब को, हम सब मुसलमानों को इस जगह बार बार आने की सआदत नसीब फरमाए, और आप लोगों को भी इस जगह की सआदत जो है ना वो नसीब फरमाए, आमीन। तो ये देखिए साथ साथ आप लोग ज़ियारत करते जाएँ, और साथ साथ मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने जो नफरी तवाफ़ है, या जैसे आप उम्रा करते हैं तो जो दूसरा तवाफ़ है वो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। नीचे भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा रश है, और ऊपर भी रश जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी आगे हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस साइड पे लेफ्ट साइड पे उन्होंने रास्ता थोड़ा सा बंद किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये सामने आपको एक बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये जहाँ पे तीर के निशान बने हुए हैं नीचे को। तो यहाँ पे ये यहाँ से आके आपने जो है ना तवाफ़ शुरू करना होता है, बेशक नफली तवाफ़ करना हो या दूसरा तवाफ़ करना हो, तो यहाँ से आके स्टार्ट करना है। वो क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जो रास्ता है, ठीक है, ये जो बोर्ड लगा, ये बिल्कुल हजरे अस्वद के बिल्कुल सामने लगाया हुआ है, इसे इशारा इस्लाम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये देखे ना कि लोग यहाँ पे आके हाथ खड़ा कर रहे हैं, मतलब हजरे अस्वद को बोसा दे रहे हैं अपने हाथों से। तो यहाँ से आपने जब भी अगर आपने नीचे तवाफ़ करना है, ठीक है, तो आपने नीचे भी हजरे अस्वद के बिल्कुल सामने से तवाफ़ स्टार्ट करना है, और ये रास्ता जा रहा है सफ़ा मरवा की तरफ, ठीक है। नीचे भी और जब आपने स्टार्ट करना है या ऊपर भी स्टार्ट करना है, तो आपने लाजमी याद रखना है कि आपने हजरे अस्वद से ही स्टार्ट करना है।
ये बहुत ही स्वाब का काम है और सुन्नत भी है। और जब भी आपने मतलब वो करना है, ये देखिए माशाल्लाह से हमें मिले हैं छोटी हाजी साहिबान, ये देखिए माशाल्लाह से उम्र में तो वैसे बड़े हैं और कद में छोटी हैं माशाल्लाह से। ये अल्लाह पाक की शहादत होती है, नसीब की बात होती है कि अल्लाह पाक जिसको बुलाए। देखिए माशाल्लाह से मतलब हाथ पाँव भी ऐसे ही हैं, कोई मतलब कमाने का जरिया भी नहीं होगा ना, वो तो अल्लाह पाक रिस्क देने वाला आपको पता है। अगर देखा जाए तो इस बंदे के पास कोई इस तरह का जरिया भी नहीं होगा जिसकी वजह से वो लाखों कमा सके, लेकिन फिर भी देखें कि अल्लाह पाक ने उसको अपने घर में बुलाया है। ठीक है, ये सारी नसीब की बात होती है, ये अल्लाह पाक के बुलावे की बात होती है। तो वो तो अभी गुम हो गया मेरे ख्याल से, किधर चला गया। तो चले वो अलहमदिल्ला वो नकली तवाफ कर रहा था जिसकी वजह से वो हमें मिला, तो सोचा कि चले उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना दें। तो ये देखें, ये उन्होंने मतलब पहले जो है ना वो व्हील चेयर वाले और दूसरे बंदे थे जो मतलब जवान जो पैदल करते वो एक साथ होते थे, वो फिर थोड़ी सी दुश्वारी होती थी, मुश्किल होती थी, इसकी वजह से इन लोगों ने अब जो है ना वो व्हील चेयर वालों को अलग से कर दिया और जो मतलब दूसरे लोग हैं वो अलग से हो गए। क्योंकि आपको पता है कि जब बंदा तेज़ी में चल रहा होता है तो एक दूसरे के साथ लग जाता है, जिसकी वजह से फिर वो एक दूसरे के बंदे को गुस्सा भी आता है, जाहिर बात है गुस्सा आता है हर बंदे को। तो अभी उन्होंने जो व्हील चेयर वाले हैं, ठीक है, जो मजदूर लोग नहीं कर सकते पैदल, उनको अलग कर दिया और वो जो दूसरे लोग हैं उनको अलग कर दिए कि आप अपने आराम से वॉक करें। तो गैस ये था हमारा आज का व्लॉग, इसमें मैंने आप लोगों को खाना काबा का मकाम मुकरमा का सारा टूर करवाया। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा। और आज उम्रा के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैंने प्रोफाइल में दिया हुआ है। किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो यहाँ आके, या किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह आप लोग सब लोगों को खुश रखे, आमीन।